अब देखो ये प्रॉब्लम है, ये इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं क्वेश्चन कि जो नॉर्मल बच्चा और जो इंटेलेक्चुअल बच्चा है उसके क्वेश्चन करने के तरीके में ही डिफरेंस होता है यार। ठीक है, चलो ये कहता है कि एक एब्लॉग मास एवं रेशनल हॉरिजेंटल टेबल, एक हॉरिजेंटल टेबल है, चलो बना लेते हैं, एक हॉरिजेंटल टेबल है, इस पर एक पुली लगी हुई है और यहाँ से एक ब्लॉग रखा हुआ है M1, ठीक है, M1, ए ब्लॉग रेस्ट ऑन हॉरिजेंटल टेबल, ए लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू पास ओवर द पुली एज ऑफ द टेबल फ्रॉम अनदर ब्लॉग बी, यहाँ से लाइट पुली है और M2 नीचे लटका हुआ है, M2 नीचे जाएगा और M1 इधर आएगा, दोनों का एक्सलेशन सेम होगा। कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक एंड टेबल, यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, ठीक है, आए समझ में। द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल, टेंशन इन स्ट्रिंग, चलो तो टेंशन इन स्ट्रिंग, अगर ब्लॉक ए स्लाइड कर रहा है तो टेंशन इन स्ट्रिंग। अब एक बच्चा है इसको नॉर्मल तरीके से करेगा, ठीक है, एक बच्चा है इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, इक्वेशन बनाएगा, सॉल्व करेगा, और दूसरा जो ट्रिक्स लगाएगा, ठीक है, ट्रिक्स कैसे लगाएगा, जो थीरी अगर मेरा देखे होगे तो उसमें मैं ट्रिक्स पढ़ाया हूँ सारा। तो यहाँ से टेंशन टी लिखेगा, पहले ट्रिक्स से कर लेते हैं, देखो कितना आसान है ट्रिक से करना, ट्रिक से टेंशन टी लिखना ना इस स्ट्रिंग में, टेंशन से हमें हर पॉइंट पे, फॉरवर्ड फोर्स कितना है M2G, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बैकवर्ड मास M1, और प्लस बैकवर्ड फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन कितना है, तो फ्रिक्शन है म्यू के और आ जाएगा नॉर्मल एम वन जी मल्टीप्लाइड बाई एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एम वन एम टू जी कॉमन हो गया वन प्लस म्यू के डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, इसका मतलब ये हुआ कि म्यू के एम वन प्लस एम टू, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। अब जिसको नहीं आता ये ट्रिक वो कैसे करेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस वाले पे देखो ये टेबल है, इस वाले पे टेंशन टी इधर लगा, इस वाले पे फ्रिक्शन इधर लगा, तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू, इसका मास कितना था, ट्रैक्शन माइनस एम वन जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा वाला जो ब्लॉक है देखो, दूसरा वाला नीचे आ रहा है एम टू जी, इस पे टेंशन ऊपर लग रहा है, ठीक है, दूसरा वाला ब्लॉक जो है वो उस पे टेंशन टी ऊपर लगा, M2G नीचे लगा, तो इसका इक्वेशन M2G माइनस टेंशन T इज इक्वल टू M1A, ये एक्सलेशन A होगा बेटा, एक्सलेशन A होगा M1A इक्वेशन नंबर टू। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें जाके टेंशन पता चलेगा, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इनको जोड़ूंगा तो एक्सलेशन निकालूंगा, एक्सलेशन निकालने के बाद इसमें रखूंगा, है ना, लेंदी प्रोसेस कर दो, चलो कर ही देता हूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ तो टेंशन ने टेंशन को, तो M2G और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन की वैल्यू होता है म्यू के एन, ठीक है, इसका म्यू के M1G आ गया, तो यह आ जाएगा माइनस म्यू के M1G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई ए एम टू है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सलेशन होगा, एक्सलेशन हो जाएगा वो M2G माइनस म्यू M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, तो ये अभी तो एक्सलेशन आया यार, ठीक है, क्योंकि टेंशन मैं डायरेक्ट निकाल ही नहीं सकता, वी कैन नॉट कैलकुलेट द टेंशन विदाउट कैलकुलेटिंग एक्सलेशन, भले यार एक्सलेशन तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो टेंशन। अब इसको उठा के रखो, इसको उठा के ए को उठा के इसमें रखो, तो ए को उठा के अगर इसमें रखोगे, कहीं टेस्ट हो गया क्या, ए को उठा के इसमें रखोगे डॉट डॉट डॉट, इसमें टच हो गया था, तो ए को उठा के इसमें रखोगे तब जाके टेंशन आएगा, ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना उतना ही आएगा, बट दिस प्रोसेस इज लेंदी एंड ट्रिक इज वेरी इफेक्टिव, जो ट्रिक्स होते हैं वो काफी इफेक्टिव होते हैं।